हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए आया एक इम्पॉर्टेंट और एक यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज जिन लोगों को है, उन्हें कौन से फल खाना एडवाइजेबल है, कौन से फल खाने से उनको फ़ायदा होगा, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर पेशेंट्स को हम तेल घी वाली चीज़ें तो मना कर देते हैं, ज़्यादातर उनको हम कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑब्वियसली लोग खाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ टेस्ट चेंजिंग के लिए उन्हें फ्रूट्स चाहिए होते हैं। जब फ्रूट्स की बात आती है तो कौन सी नलियों के लिए कौन से फ्रूट्स अच्छे हैं ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो इनवेरिएबली नलियों के ब्लॉकेज को बाद में जाके बढ़ाते ही हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर फ्रूट्स के लिए वो पूछते तो ज़्यादातर हमें बोल पाना मुश्किल होता है कि कौन से फ्रूट्स खाएँ, और ज़्यादातर अगर ज़्यादा मात्रा में वो फ्रूट्स खा अगर खाते हैं तो उनको हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज बढ़ने का चांस होता है। टेस्ट चेंजिंग के लिए सबसे फ्रूट्स अच्छे हैं, लेकिन उनके से हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज बढ़ने का चांस रहता है। आज स्पेसिफिकली हम एक ऐसी फ्रूट्स की लिस्ट लेके आए हैं जिसमें हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए कुछ फ़ायदा है। अगेन मैं ये कहूँगा कि इन सारे फ्रूट्स से ले को खाने से आप ये मत उम्मीद रखिएगा कि आपके नलियों के ब्लॉकेज को खोल देंगे, या नली में अगर ब्लॉकेज 90% है तो इन फ्रूट्स को खाने से वो 70% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फ्रूट्स को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने में, जिनमें भी अगर शुगर का कंटेंट है, वो डेफिनेटली नुकसान करेगा। ये सारी फ्रूट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी विटामिन मिनरल का कंटेंट रहता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, और साथ में जो कार्बोहाइड्रेट लोडेड आता है वो थोड़ा वो पार्ट नुकसान करता है पेशेंट्स को। इसलिए कोई भी फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने को पेशेंट्स के लिए मना करते हैं। कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जिनकी कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हार्ट के पेशेंट्स की नलियों के ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे करती है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक ब्रीफ डिस्कशन होगा उन फ्रूट्स के बारे में, और ओवरऑल इन जनरल मैं यही कहूँगा सारे फ्रूट्स के बारे में कि इन सबको आप टेस्ट चेंजिंग के लिए ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत लीजिए, क्योंकि जो भी फ्रूट्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है वो थोड़ा सा नुकसान ही करता है। ये टॉपिक काफ़ी यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा करने से हमें वीडियोज़ को बनाने के लिए और चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे। सबसे पहला फ्रूट है एप्पल। एप्पल में कंपेरेटिवली विटामिन सी का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, इसमें फैट प्रोटीन और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की थोड़े क्वांटिटी रहता है। इसमें सेल्यूलोज होता है जो कि बाइल एसिड्स को एक्सक्रीट करता है बॉडी से, और इसमें कंपेरेटिवली शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये जो सेल्यूलोज का कंटेंट है ये हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज के लिए अच्छा माना गया है। इसका माना गया है कि हृदय की नलियों के ब्लॉकेज और एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए अच्छा है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें भी शुगर ज़्यादा है, तो वंस इन अ वाइल या दिन में एक आध पीस आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको ना लें, क्योंकि इनका शुगर का कंटेंट जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा नुकसानदायक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है वाटरमेलन यानी तरबूज। तरबूज में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो तरबूज कंपेरेटिवली आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बहुत जल्दी से इससे पेट भर जाता है और बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट इसमें नहीं होता। इसमें कुछ अमीनो एसिड्स, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सॉल्ट्स और विटामिन सी रहता है। ये ओवरऑल हार्ट की नलियों के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज के लिए कुछ फ़ायदेमंद है। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे नली के ब्लॉकेज खुल जाएगा, लेकिन हाँ कुछ फ़ायदेमंद है, ऐसा कुछ छोटी स्टडीज़ में बोला गया है। हार्ट फेलियर की जो लोग विक्टिम्स हैं जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा खराब है, उनको तरबूज के वाटर कंटेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तरबूज में एज अ फ्रूट पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तरबूज ले रहे हैं तो इसमें लगभग 90% पानी रहता है। अगर आप दिन भर में 1 किलो तरबूज खा जाते हैं तो ऑलमोस्ट उसका 90% आप पानी भी ले रहे हैं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनको हमने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन पर रखा हुआ है उनके लिए नुकसानदायक है, उनके लिए इसको थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं। लेना है तो उसका पानी कंटेंट को काउंट करके लेना है, पानी के रिप्लेसमेंट में इसको ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पानी का सोर्स इसको नहीं बनाना है। नहीं तो अगर आपने 1 लीटर पानी लिए फिर आपको रेस्ट्रिक्शन रखा है और आपने 1 लीटर पानी के साथ एक तरबूज 1 किलो खा लिया तो उसमें लगभग आपको 700-800 ml पानी जितना मिल जाएगा, तो वो थोड़ा अवॉइड करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है हॉथोर्न यानी नागफनी फल। इसमें बेसिकली साइट्रिक एसिड, मैस्कलिन एसिड, कैरोटीन्स और विटामिन्स होता है। फ्लेविनॉइड्स होते हैं जो कि हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज के लिए अच्छा माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट करने वाले या बीपी लेवल्स को भी कम करने वाली पदार्थ होते हैं, और हृदय की नलियों के ब्लॉकेज के लिए इसे अच्छा माना गया है। हृदय की जो ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट में इस्कीमिया डेवलप होता है उसके लिए भी इसे अच्छा माना गया है। ये फ्रूट को आप बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है बनाना। ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, साथ में इसमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इसमें
इसको आप अलग अलग तरह के ब्रॉथ्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के इसमें बाकी फ्रूट्स के साथ मैश करके कोई जूसेस वगैरह बनाने के लिए, दूध के साथ इनको मिला के शेक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पानी में डाल करके इसको एक ब्रॉथ बनाकर वैसे भी इसको पी सकते हैं। ये ऐसा कुछ छोटी स्टडीज़ में पाया गया है कि इसको लगभग दिन भर में 50 ग्राम्स लेने से जिन लोग को भी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में थोड़ा मदद मिलता है। अगेन मैं इसको दवाइयों के बदले रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसको ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में ये क्लियर नहीं है, पर हाँ बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में केला आप यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मत लीजिएगा। नेक्स्ट हम फ्रूट है कीवी फ्रूट, इसमें विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा रहता है जो आपकी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर और हृदय की नली के ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसमें प्रोटीन का, शुगर का, कैल्शियम, फैट और आयरन का, मिनरल्स का कंटेंट अच्छा रहता है। इसमें विटामिन सी कंटेंट भी रहता है जो कि हृदय की नली के ब्लॉकेज की बीमारी के लिए अच्छा माना गया है, और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट तक भी रहते हैं जो हृदय की नली में हार्ट अटैक को कंपैरेटिवली थोड़ा कम करते हैं। इसलिए कोई भी विटामिन सी कंटेनिंग अगर आप फ्रूट्स लेंगे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स के लिए कुछ स्टडीज़ अवेलेबल है जिसमें लगभग 6000 पेशेंट्स पर उन्होंने एक स्टडी की थी जिनको हार्ट की नलियों का ब्लॉकेज, बीपी का बीमारी और डायबिटीज़ और गाउट वगैरह की बीमारी थी। इस तरह के पेशेंट्स में जब इनको स्टडी किया गया तो पाया गया कि कुछ बेनिफिट्स इसमें जो लोग सिट्रस फ्रूट्स ले रहे थे उसमें फ़ायदा मिला। जो सिट्रस फ्रूट्स का छिलका होता है उसमें हेस्पेरेटिन करके एक पदार्थ होता है जो कि लिवर, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन के कैंसर्स को भी कम करता है। इसमें जो विटामिन सी कंटेंट रहता है और उसमें जो मिनरल्स रहते हैं वो कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं। और ऑरेंज या संतरे वगैरह का जो छिलका है वो अगर आप लेते हैं उसको तो कैपिलरीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स को लोअर करता है, हृदय की नलियों को डायलेट करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस या नलियों के ब्लॉकेज की बीमारियों के लिए इसे अच्छा माना गया है। तो बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में आप सिट्रस फ्रूट्स को या ऑरेंजेस वगैरह को प्रेफर करें तो अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है पोमेग्रेनेट यानी अनार। पोमेग्रेनेट में कुछ अमीनो एसिड स्ट्रेस के एलिमेंट्स होते हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, अल्सर्स को कम करते हैं, ब्लड के लिपिड लेवल्स को कम करते हैं। इसके जूस में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, पॉलीफिनॉल ऑल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि जो कि नलियों के फैटी डिपॉजिट्स को कम करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करते हैं और हृदय की नली के ब्लॉकेज को कंपैरेटिवली कम करने में थोड़ी मदद करते हैं। जिन लोगों को हृदय की नली के एंडोथीलियम लेयर में थोड़ा डैमेज हो गया उसको भी रिकवर करने में या उसको इम्प्रोवाइज करने में थोड़ी सी मदद करता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें एप्पल, पियर्स, पीचेस, ये सब फ्रूट्स के कंपैरिजन में पोमेग्रेनेट को ज़्यादा अच्छा पाया गया है। इसके जूसेस में एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो ये हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है। लास्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है चेरीज। चेरीज बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसमें प्रोटीन होता है, कैरोटीन होता है, विटामिन होता है और कंपेरेटिवली आपके हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हृदय की नली में ब्लॉकेजेस वगैरह को प्रोटेक्ट को रिड्यूस करते हैं, हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारे ही फूड स्टफ आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने क्योंकि इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो बाद में जाके कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, बॉडी को नुकसान कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। थोड़ा बहुत अगर मात्रा में आप इनको लेते हैं तो हृदय की नलियों के ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि ये फूड स्टफ्स बाकी फूड स्टफ से बेटर पाए गए हैं, बाकी फूड स्टफ से कुछ बेटर इनको बाकी फ्रूट से कुछ बेटर इनको माना जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फ्रूट सबको कितना भी खाएं और कितना भी खाने से आपके हृदय की नली का जो ब्लॉकेज है वो पहले से जो है वो खुल जाएगा, वैसा नहीं है, पर बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में ये अच्छा है। ज़्यादातर हम हार्ट पेशेंट्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने को बोलते हैं तो ये सारे फूड स्टफ्स स्पेशली एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट, चेरीज, ये सारे फूड स्टफ को ज़्यादा ले सकते हैं। तरबूज ले सकते हैं, नागफनी फल ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को अगर वो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो कंपेरेटिवली बाकी फ्रूट्स के कंपेरिजन में नुकसान कम करेगा, थोड़ा सा फ़ायदा भी कर सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी स्टडी या डेटा अवेलेबल नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसको दवाओं के बदले लीजिए, इनको थोड़ा सा आप क्वांटिटी में ले तो नुकसान नहीं है, उल्टा थोड़ा फ़ायदा कर सकता है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको आपके डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप अपने पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर सकें, उनकी बीमारी को समझ सकें, उनको डील कर सकें और उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकें।
यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में इस तरह के वीडियोज़ हमें और बनाने चाहिए, या आपके हमारे चैनल को रिगार्डिंग कोई सजेशन है या कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस बारे में बताइए। फ्यूचर में हम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और उम्मीद करूँगा कि आप जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहती है। थैंक यू।